हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज हमने दो ट्रेड लिया था, एक बैंक निफ्टी का और एक निफ्टी का, जिसमें अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो अभी हम ऑर्डर स्ट्रिप देख लेते हैं कितने कितने क्वांटिटीज थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक एक क्वांटिटी से मैंने ट्रेड करा था, बैंक निफ्टी का एक क्वांटिटी और निफ्टी का एक क्वांटिटी, और बाकी ये तो कल का है, इसको कल मैं ओवरनाइट ले गया था ये पोजीशन HDFC का। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक एक क्वांटिटी में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि आज मैंने ट्रेड कब और क्यों लिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी खुला था गैप अप, लेकिन यहाँ कहीं पे मुझे था कि रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा, इस लेवल पे कहीं रेजिस्टेंस का था मुझे नहीं, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस तो लेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे गैप सेम देखने को मिला था और इस एरिया से इसने रेजिस्टेंस भी लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन खोला था। तो मुझे था कि यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेगा, तो मार्केट खुलते साथ ही इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था, इसको 3 times टच किया यहाँ पे 3 बार 3 कैंडल्स में, तो मुझे श्योर हो गया कि नहीं मार्केट अब तो गिरेगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कॉल लिया था निफ्टी में, और सेम यही चीज मुझे बैंक निफ्टी में भी दिखा। बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख पा रहे होंगे डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर तो एक टॉप ये हो गया और एक टॉप ये हो गया। अगर इसको आप थोड़ा ब्रीफली देखें, अगर 1 मिनट के चार्ट में, तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 3 times इसको टच किया है इस रेजिस्टेंस को, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो मैं शॉर्ट ट्रेड बनाया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। और सेम अगर यही चीज़ अगर निफ्टी में भी देख लें अगर आप लोग 1 मिनट के चार्ट का, तो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया है, 2 बार किया, 3री बार किया, 4थी बार जब ये हुआ तो एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला। अब बात करते हैं कि HDFC में ओवरनाइट पोजीशन क्यों ले गया था। कल जब HDFC का लास्ट ओवर चल रहा था ट्रेडिंग का, तो यहाँ मुझे एक सपोर्ट दिखा यहाँ पे, और ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही इंगल्फिंग कैंडल बनाया, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें बाइंग देखने को मिला था। तो इस पर मैंने अपने ओवरनाइट पोजीशन को बनाया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे भी प्रॉफिट तो अधिक था, लेकिन मैंने घाटा कम पे, तो नो इशू। आज फिर देखते हैं आज क्या ले जाना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।